तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है ना गाइस, ये मतलब कुछ अलग ही टाइप का है, क्योंकि हम लोग ब्लॉग का शुरुआत कुछ और किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही घटना हो गया, तो जिसके वजह से मुझे कुछ और स्पाइस यहाँ पे ऐड करना पड़ गया। वो क्या है वो तो ब्लॉग में आपको मतलब आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने होम टाउन धुबरी से। और अभी हम जाएंगे बोंगाईगांव की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का जो बोरझरा वाटरफॉल है, वो बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, नेचुरल जगह है, बहुत सारा लोग वहाँ पे हमेशा जाता रहता है। तो आज हम लोग सोचा कि नहीं, हम लोग भी जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, इन्जॉय करेंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और सामने देख सकते हैं, और 3 बाइक है, मतलब 3 बाइक के साथ मेरा स्कूटी, तो 4 व्हीकल है टोटल, और 7 आदमी हम लोग है। एक तो इतने सारा लोग हम लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि रास्ते में कोई मुसीबत हो तो एक दूसरे को हेल्प कर सके। और वैसे भी अननोन जगह में जाने से हमेशा एक साथ ही चलना पड़ता है। और वैसे भी आपका भाई सबसे पीछे चल रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये सब खूबसूरत नज़ारा दिखाना है। और मैं अभी इससे आगे निकल गया थोड़ा बहुत, और मैं उतना स्पीड में अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रोड है थोड़ा बिजी रोड है, तो अभी उतना स्पीड में यहाँ पे भगाना ठीक नहीं है। नहीं तो आपका भाई कौन सा पीछे रहने वाला है, वो तो मतलब वैसे भी राइडर नहीं है, पायलट है, इसको उड़ा के लेके जाते। लेकिन उसके साथ ही मैं अपना जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखता हूँ, तो इसके लिए मैं रोड का कंडीशन के हिसाब से ही भगाता हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिलासीपारा, मतलब उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग का 50% डिस्टेंस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, मतलब वी हैव ऑलरेडी ट्रेवल 50 किलोमीटर एंड 50 मोर टू गो। और ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये भी बहुत ही ज़्यादा खाली खाली है। और वो देखो भाई साहब, वो तो रॉयल इनफील्ड आगे निकल गया, तो मुझे उससे भी आगे निकलना है। तो लेट्स गो, मतलब थोड़ा भगा के देखते हैं। वैसे भी बहुत दिन से इसका मतलब सर्विसिंग भी नहीं किया था, जिसके वजह से इसका जो पिकअप है थोड़ा बहुत कम हो गया। तो लेकिन फिर भी हम लोग 2 आदमी बैठा है, तो देखते हैं कि कितना तक जाते हैं। शायद 90 तक जा सकता है, वैसे भी सिंगल आदमी 90 से थोड़ा ज़्यादा जाता है। लेकिन अभी इंजन ऑयल भी हम चेंज नहीं किया, तो देख सकते हो फुल थ्रोटल के बाद ये 87-88 तक जा रहा है। अभी 88 में अटक रहा है, शायद और नहीं जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अरे भाई, 89 में आ रहा है, और ये 89 में हमने क्रॉस कर दिया रॉयल इनफील्ड को। और ये अगर चाहेगा तो मुझे फिर से ओवरटेक कर सकता है, लेकिन हम लोग कभी लिमिट में आएंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं भगाएंगे, क्योंकि कुछ दुर्घटना हो गया तो बात ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी मतलब देख सकते हो ट्रैफिक उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मिडिल मिडिल से ही कुछ जो ये ई रिक्शा वाला है ना, इस इन लोगों का थोड़ा बहुत ध्यान कहीं और ही रहता है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट चलते चलते अचानक घुमा देता है, जिसके वजह से आप क्रैश कर सकते हो। तो हाईवे में इस बात का ध्यान रख के चलाना पड़ता है। वाह, क्या ही सुंदर नज़ारा है गाइस, ऊपर से देख सकते हो यहाँ पे रेलवे ब्रिज गया, और नीचे से हम लोग क्रॉस कर दिए इस ब्रिज को, और सामने भी पूरा का पूरा पहाड़ है, और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और भाई लोग देख सकते हो कि रोड जो है खेतों के बीचों बीच से गया है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आँखों को मतलब एक ठंडक मिल रहा है। और ये जो रोड है बीच बीच में से थोड़ा बहुत गट्टा है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, और मतलब इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। वैसे भी हम लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे, अभी 40-50 ऐसे ही जा रहे हैं। और मतलब देखो सामने तक ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर रोड है ही नहीं, इतना सारा यहाँ पर पैर है। और यहाँ से वाटरफॉल ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग हाईवे से थोड़ा अंदर आ चुके हैं, यहाँ से कितना होगा, शायद 15 किलोमीटर जैसा होगा। यहाँ पे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है रोड में, हम लोग पहुँच नहीं वाले थे, और ये आपका जो रोड है अच्छा नहीं है, तो लोकल आदमी बोला वहाँ पे मत जाओ, बहुत ही रिस्की है, पहले तो बाइक ठीक करना पड़ेगा। और ये देखिए भाई साहब, ये है इसका बाइक, इसका जो शॉकर है पूरा का पूरा बैंड हो चुका है, अभी इसको ठीक करने के बाद ही हम लोग रिटर्न जा सकते हैं। तो गाइस, वहाँ से तो हम लोग ने बाइक पूरा का पूरा मतलब ठीक नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब वर्किंग कंडीशन में ला के उसके बाद हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अपने घर की तरफ। वाटरफॉल में जो हम लोग जाने वाले थे वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि लोकल आदमी लोग बोला कि वहाँ पे बेटा मत जाओ, क्योंकि वो एरिया जो है बिल्कुल सेफ नहीं है, हर रोज़ वहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। तो जिसके वजह से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, और मतलब मूड ही ख़राब हो गया यार, इतना दूर से आया था, हम लोग पहुँचने ही वाले थे, सिर्फ 12 किलोमीटर बाकी था,
और वहाँ पे हमारा साथी का एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से हम लोगों को रिटर्न जाना पड़ रहा है। तो आप भी जब भी मतलब कहीं पे जाओ कम से कम राइडिंग गियर ये सब पहन के जाओ, कम से कम शूज एंड ग्लोव्स ये सब पहन के जाओ। तो गाइस नाउ वी आर बैक टू द टॉपिक। तो बात ये है कि वो जो जगह है ना, एक्चुअली जो बोरचोरा वाटरफॉल जो कि बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है, और वहाँ पे मतलब हर साल मतलब बहुत सारा आदमी वहाँ पे जाके मर भी जाता है, और वहाँ पे पुलिस वगैरह की भी बहुत ज़्यादा रेट होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ इलीगल ड्रग्स वगैरह का सीन चलता रहता है। लेकिन हम लोग गए थे वाटरफॉल में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो आप लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में का एंड में मैं आप लोग को कुछ यही मतलब बोलूँगा कि जब भी आप लोग राइड करें ना, मतलब सेफ्टी गियर हमेशा पहन के राइड करें, स्पेशली जब आप किसी अननोन प्लेस में जाते हो। क्योंकि अगर आप एक ही रास्ते से रोज़ ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे अगर एक्सीडेंट होगा भी, फिर भी कम से कम आपको पता लगेगा कि नहीं ये रास्ता में यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, नहीं तो यहाँ पे गड्ढा है, तो वहाँ पे आपको स्लो डाउन करना है। लेकिन कुछ ये सब अननोन रोड में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है कि कहाँ पे हम लोगों को ब्रेक करना है, क्या करना है। आपका हेलमेट वगैरह जितना भी सेफ्टी गियर है, ग्लोव्स है, वो सब पहन के चलाओ। राइड सेफ एंड आप भी सेफ रहोगे, उसके साथ बाकी भी सेफ रहेगा। मोर वन थिंग गाइस, कोई भी अननोन जगह में जाने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकता है। तो सब कुछ जानने के बाद ही ऐसे ट्रैवल करो, नहीं तो घर में आके क्या जवाब दोगे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और भी कमाल करने वाला हूँ। इस वीडियो में तो वैसे कुछ भी नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कुछ और जगह में जाके एक्सप्लोर करने का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।